हेलो एवरीवन, इट्स अ न्यू डे विद न्यू एनर्जी। आज मैं जा रहा हूँ जुडिशियल कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी, बिकॉज एक एफआईए के खिलाफ बेल है जो मुझे कंटेस्ट करनी है, और उसके बाद मैं आपको ये कोर्ट दिखाता हूँ, कॉम्प्लेक्स भी दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जितनी भी कचहरी है या स्पेशल कोर्ट्स है, ये सबसे बड़ी है और इसकी फैसिलिटीज अमेजिंग है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज मैं आपको लेकर चलता हूँ, ब्रीफ करता हूँ इसके बारे में पहले थोड़ा सा, और फिर मैं जब बेल से फ्री होता हूँ तो देन आई विल शो यू अराउंड। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग बिटवीन जुडिशियल कॉम्प्लेक्स एंड पिंडी कचहरी। इस जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पर पिंडी कचहरी इतनी बड़ी है कि मैंने कराची और लाहौर में भी और इवन इस्लामाबाद में भी इतनी बड़ी कचहरी और स्पेशल कोर्ट्स नहीं देखी हैं। यहाँ पर आपको सेशन जजेस भी मिलते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस भी, इस साइड पे सिविल जजेस भी हैं, स्पेशल कोर्ट्स भी हैं, एंटी नारकोटिक्स भी है, FIA भी है, यू जस्ट नेम इट, ऑल द कोर्ट्स आर इनसाइड। एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज ह्यूज एंड द फैसिलिटीज दैट दे आर प्रोवाइडिंग इज जस्ट अमेजिंग, विच इज़ वाई आई थॉट दैट आई शुड शो दिस टू यू। जिस भी मैं जाता हूँ कचहरी वगैरह में तो मुझे बहुत बुरा लगता है देख के कि उनकी हालात अच्छे नहीं है, और वहाँ पे लिटिगेंट्स को या लॉयर को फैसिलिटेट नहीं किया जाता बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पर आके मुझे बहुत खुशी हुई है, इसलिए आए अंदर चलें और मैं बेल से फ्री होता हूँ उसके बाद आई विल शो यू अराउंड, लेट्स गो। ये जैसे ही आप कोर्ट से एंटर होते हैं तो साथ ही इन्होंने, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है, एस्केलेटर्स लगाए हुए हैं, ये देखें। ये देखें, ये जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए इन्होंने वाटर कूलर भी लगाया है फैसिलिटेशन के लिए। ये देखें, ये कितनी अच्छी फैसिलिटी इन्होंने प्रोवाइड की हुई है ताकि लोग आराम से जो है पानी पी सकें, बैठने के लिए स्टूल्स भी हैं, हर जगह लगे हुए हैं। और ये देखें, लॉयर्स के लिए प्रॉपर पार्किंग भी इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये तो बहुत सीरियस मसला है लाहौर के अंदर भी और कराची में भी। ये वॉशरूम है लॉयर्स के लिए, रिलेटिवली साफ है, ये जो बहुत सारे मैंने लाहौर सिविल कोर्ट में वॉशरूम देखे हैं उनसे। और यहाँ पर मुझे एक लॉयर्स क्लब भी नज़र आ रहा है, ये देख क्या बात है, ये लोगों के लिए यहाँ पर लिफ्ट भी लगाई गई है और साथ इसके ये स्टेयर्स भी हैं। नकल ब्रांच बनाई गई है, देखें सब लोगों का यहाँ पे रश लगा हुआ है, यहाँ से ये नकल ले सकते हैं। तो ये देखें बाहर जो लोग आए हुए हैं यहाँ पर लिटिगेंट्स, उनके लिए बैठने के लिए भी जगह बनाई हुई है प्रॉपर, और ऊपर उसके साया भी है। अंदर ही इन्होंने फोटोकॉपी की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है, और ये साथ ही जो सी है कैंटीन भी है। और ये लॉयर्स के लिए इन्होंने एक डिस्पेंसरी बनाई हुई है, और ये एक स्नूकर क्लब भी है कि जब लॉयर थक जाएं तो ये जाके स्नूकर भी खेल सकते हैं, वंडरफुल। और यहाँ पर तो एसी लगा हुआ है, ये फुल ठंडा मज़ेदार कमरा है, ये मैंने एक्सप्लोर किया आज, हालांकि कई सालों से यहाँ आ रहा हूँ, इट्स वेरी नाइस, प्रॉपर बैचेस हो सकते हैं यहाँ पर। तो बनाया है जो कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स को, जो कि ये है, और ये सामने जो सी है ये पिंडी कचहरी है, इसको कनेक्ट करता है।
ताकि लॉयर्स जो होते हैं उनको सड़क नीचे से पार ना करनी पड़े और वो यहाँ से इजीली जा सकें। मस्जिद भी अंदर जो कि इस ब्रिज से के बिल्कुल साथ इसका ये मीनार है, तो नमाज भी अदा कर सकते हैं। मुझे नहीं पता ये सांप कौन है, लेकिन इन्होंने पीछे अपना ये बैनर लगाया हुआ है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने इस तरह बैनर्स लगा के यहाँ पर दीवारों पे भी, बल्कि ये चीज़ मैंने लाहौर में भी देखी और इसके ख़िलाफ़ मैंने कंप्लेंट भी की थी और किसी हद तक मैं कामयाब भी हुआ था कि मैंने कोर्ट्स को साफ़ भी करवाया था। और अब मैं जिस जगह भी देखता हूँ मुझे बुरा तो लगता है, बट लॉयर्स की ज़िम्मेदारी है कि जो इलेक्शंस लड़ें वो कोशिश करें कि ये बैनर्स पोस्टर्स अदालतों में मत लगाएं, क्योंकि यहाँ लगे रहते हैं फिर ये उतरते नहीं और इससे दीवारें फिर ख़राब होती हैं। ये देखें इधर भी ये इन्होंने स्टिकर्स लगाए हुए हैं जो कि पता नहीं कब उतरेंगे, और ये अभी तक यहाँ लगे हुए हैं और ये सारी जगह को ख़राब कर रहे हैं। यहाँ गर्मी बहुत है तो जो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए देखें पानी भी पिलाया जा रहा है। ये बार की तरफ से या खुद कह रहे हैं? ये सर ये बार की तरफ से है। क्या बात है, सलमान साहब ने लगाया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये बार ने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो पानी पीना तो अब ज़रूरी है यहाँ पे। और ऑनेस्टली दिल से दुआ निकली है इन लोगों के लिए जिसने ये किया है, बहुत ही अच्छा काम किया। I hope you like this vlog. If you like it and if you have any suggestion, please write it in the comment. I believe this is one of the best bar and the court that I've seen in Pakistan, and they have properly maintained it. And the best thing was that the way they were giving water to everybody, even though that's a small gesture, but it's a very nice gesture. I really like it and I have huge respect for the bar member who are doing it. And I would like to request to all the other provincial bar members to please take care of your bar. Don't let anyone paste posters on the wall, because ultimately it is ruining our bar and our court. This is our responsibility, so we should take care of our own courts. And for my viewers, this is message for all the lawyers and all the bar members. Please contribute as much as you can, because our bar and our courts need our attention, proper attention. और ये चीज़ें तभी ठीक होंगी जब हम प्रॉपरली अटेंशन प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन अदर व्लॉग। टेक केयर, बाय बाय।